टाइफाइड का कीटाणु एक बैक्टीरिया है, वो हमारी आंतों में जाके जमा हो जाता है, और आंत हमारी इतनी लंबी है, मैं यहां से पहला छोर पकड़ूंगा ना तो उस दीवार तक हमारी इतनी आंत लंबी है, और इतनी लंबी आंत में हमारा खाना चल के जाता है, घूम घूम के जाता है, और पता नहीं वो बैक्टीरिया कहां जाके छुप जाए, हमें थोड़ा ना पता है, और वह छुपा छुपा वो अपनी ग्रोथ करता है, अपना वजन बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है, तो बार बार मोतीजीरा होता रहता है। और वो होता कैसे है, मान लो मुझे मोतीजीरा हो गया और मैंने कहीं पे खुले में शौच कर लिया, तो मक्खी आएगी उड़ती उड़ती और उस पे जाके बैठ जाएगी, उसके पैरों में नीचे चिपक जाएगा वो बैक्टीरिया मोतीजीरा का, वो उड़ती उड़ती जाएगी घूमती घूमती। और मैंने देखा इस बच्ची के घर में खाना खुला हुआ रखा है, मैं उड़ता हुआ जाऊंगी 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 जट उसके खाने पे बैठ जाऊंगी, और मेरे पैरों में जो गंदगी चिपकी हुई है ना वो बैक्टीरिया और वो जट उस खाने पे चला जाएगा। फिर मैं स्कूल से आया, स्कूल से आई मैंने वो खाना रे ठीक है खाना रखा है, जाते ही हाथ नहीं धो है, और मैंने जाते ही खाना खा लिया तो क्या गया, वो बैक्टीरिया गया मोतीजीरे का, और मुझे भी दो दिन हफ्ता बर्बाद, बुखार सा रहता है, शरीर टूटा टूटा रहता है, जो मुझे भी बीमारी हो जाएगी। तो हमें क्या सबक सीखा, पहला घर में खाना हमेशा ढका रहना चाहिए, कोई मक्खी नहीं बैठनी चाहिए खाने की चीज पे, पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया कहां से उठा के ला रही है। दूसरा, अब मैं खेल के आया हूं और मैंने बॉल भी उठाई है, मैंने गंदगी में हाथ डाला कहीं भी है, अब मैंने हाथ नहीं धोए तो खाना तो मेरा बहुत गर्म है, ताजा है, ढका हुआ है, अब हाथ में जो गंदगी उसको कौन दूर करेगा, और मैंने जाते हाथ मारा खा लिया, हाथ की गंदगी जाएगी। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, हैंड वॉश। तो पेट की बीमारियों को खत्म करना है तो खाना हमेशा ताजा खाना है, ढका हुआ खाना है, गर्म करके खाना है, और दूसरा खाना खाने से पहले हाथ धो। आपको बहुत बताया होगा, कई बार बताया होगा, टीमें आई होंगी, 6 स्टेप होते हैं हैंड वॉश के। पहला, कोई बताए, कोई बताए, खड़ा होकर बताए, कोई भी किसी ने कभी तो बताया होगा, 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉश, बड़े बड़े तो मैं बता देता हूं, याद रखना बेटा, सिंपल है। पहले हाथ को हमें आगे से धोया, 1, फिर हाथ को हमने पीछे से धोया, 2, अब हम जल्दी जल्दी में ऐसे धो देते हैं, आगे से धुल गए पीछे से धुल गए, तीसरा स्टेप उंगलियों के बीच से है ना, तीसरा हो गया, चौथा हमें अंगूठे को ऐसे रगड़ना चाहिए, अंगूठा साफ होना चाहिए, चौथा हो गया, नाखून हमेशा कटे होने चाहिए, नाखून में काला काला मैल नहीं होना चाहिए, तो हम चौथे स्टेप पे जाके अपने नाखूनों पे ऐसे रगड़ लो, गंदगी होगी तो निकल जाएगी। 4 हो गए, 5वां, हमारे गोल गोल बने हुए हैं इनमें गंदगी फंस जाती है, हम कभी ऐसे करेंगे तो कभी गंदगी नहीं निकलेगी, अगर हम ऐसे मोड़ेंगे तो सीधे हो गए, ऐसे दोनों हथेलियों को क्या, हथेलियों को रगड़ लिया, 5 हो गए, रगड़ लिया ना, तो ये ऐसे कैसे आपस में रगड़ खा लेंगे। और 6ठा स्टेप लास्ट में हमें कलाई, फिर पानी से हाथ को धोया और फिर खा लिया, क्योंकि कपड़े पे जो गंदगी है वो फिर लग जाएगी हाथों में, जेब में रुमाल होना चाहिए, रुमाल निकाला पहुंचा, रुमाल को वापस तय कर दिया, ठीक है ना, या फिर मेरे हाथ में जुमा जेब में रुमाल ही नहीं है, मैं क्या करूं, अब किसका रुमाल मांगू, अब उसका इन्फेक्शन मुझे लग जाएगा, ऐसे ऐसे किया, थोड़ी देर में हवा से सूख गए, कुछ नहीं करना है ना, और फिर खाना खा लिया। तो हमें अगर स्वस्थ रहना है, समय से उठना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, हाथ धो के खाना खाना चाहिए, ढका हुआ खाना खाना चाहिए, गर्म करके खाना खाना चाहिए, ये हमारी बातें होगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी बीमारियां होती है पेट की, उसमें एक चीज और है जो उसको मदद करती है, दांत। अब हम खाना रोज खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, ब्रश कब करना चाहिए, सबसे पहले सोने से पहले। अब एक चीज बताओ, मैं सुबह सो के उठाऊं तो मैं ब्रश करने का क्या फायदा, मैंने कुछ खाया नहीं सुबह उठ के, मैं तो ना अभी नहाऊंगा धोऊंगा खाना खाऊंगा। तो ब्रश करने का मतलब होता है जो खाना फंसा हुआ है ना दांतों में वो निकालना। अगर आपके घर में कॉलगेट खत्म हो गया, जी कॉलगेट खत्म हो गया, ब्रश से मैं क्या करूं, कॉलगेट का कोई फायदा नहीं, कॉलगेट तो मुंह में खुशबू करता है। और ब्रश लिया, आप अपनी टॉयलेट भी साफ करते हो ना, करते हो ना, करते हो ब्रश मारा, थोड़ा हार्पिक मार देते हैं ना भी हो तो ब्रश मार दे, बस समझ के चलो दांत में आपने 2 दिन ब्रश नहीं किया, कहीं भी आप खाना रख दो, 2 दिन बाद उसमें बदबू हो जाती है, सड़न हो जाती है, बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं और वो हमारे पेट में जाके हमें खराब करेंगे, है ना। तो ये मान के चलो, वही खाना सोच के चलो, इमेजिन करो
मेरा एक दांत में खाना कहीं फंसा हुआ है, मैंने दो दिन ब्रश नहीं किया, तीन दिन ब्रश नहीं किया, मुंह में जो करोड़ों वायरस बैक्टीरिया जा रहे हैं वो वहां पे खुश होकर मजे कर रहे हैं। जब बैक्टीरिया खाने के साथ मिलता है ना तो वो तेजाब बनाता, क्या बनाता, एसिड। और जैसे ही वो एसिड हमारे दांत में लगता है तो धीरे धीरे एक दिन में नहीं, एक साल दो साल में जाके जब दांत में एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है काला काला सा, और फिर उसमें खाना फंसना शुरू होता है और मजे। और जब हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया तो समझ लो वो कीड़ा लग गया, जड़ तक पहुंच गया। दांत हमारा सबसे मजबूत पार्ट है, हड्डी से भी मजबूत, समझ लो उसमें अगर छेद हो गया तो समझ लो कितना भयंकर तेजाब है वो। जो हम लैट्रिन साफ करते हैं तेजाब होता है ना, समझा, उससे भी भयंकर तेजाब हमारे पेट में होता है और मुंह में वो बैक्टीरिया बनाता है। तो जैसे ही हमने अगर ब्रश नहीं किया, सड़ गया उस दांत में, फिर ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया ना, तो समझ लो हमारे दांत के अंदर नीचे नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स तक हमारा कीड़ा पहुंच गया, फिर हमें करानी पड़ती है आरसीटी, जो खर्चा है 2000 रुपए का। yes, और उसमें 3 बार 4 बार जाना पड़ेगा, 2000 लगे 4000 लगे एक दांत के लिए। फिर क्या सोचते हैं 50 रुपए में उखाड़ दे यार, 100 रुपए लगने। और उस एक दांत को उखाड़ने से हमारे 4 दांत खराब होते हैं। कैसे? नीचे का दांत गया तो जब ऊपर नीचे के दांत टकराते हैं तभी तो खाना पिसता है, और नीचे का दांत चला गया तो ऊपर वाले का क्या काम, ऊपर वाला तो खाली जगह में टक्कर मारेगा, मारेगा ना। तो एक दांत खराब हो गया तो ऊपर वाला भी खराब, 2 दांत खराब हो गए एक दांत जाने से। अच्छा, अब एक दांत बीच में से, मान लो किसी दीवार में ईंट लगी हुई है, मैं बीच में से 2 ईंट निकाल दूं तो ये दीवार मजबूत रहेगी कमजोर रहेगी, कमजोर। तो एक दांत निकलने से उसके पास के जो 2 दांत थे ना वो भी कमजोर हो जाएंगे, प्रेशर पड़ेगा उन पे भी, तो नीचे के भी 2 हिलेंगे ऊपर के भी। तो हमारे एक दांत से हमारे 5-6 दांत खराब जाते हैं। और हमें दांतों की रक्षा कैसे करनी है, सोने से पहले कुछ नहीं करना, ब्रश लिया, मुंह में पानी भरा, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से चारों ओर से मुंह में क्या कुल्ला कर दिया जो खाना फंसा हुआ है। क्योंकि हम रात को सो जाएंगे, 6 घंटे सोएंगे, उस टाइम उसको सबसे ज्यादा आनंद आता है कीड़े को खेलने में। अब सो रहा है बंदा, अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे खाने को सड़ाएगा। सुबह तो हम क्या है, दिन में खाते पीते रहते हैं, पानी भी पिया, खाना भी खाया, तो जो भी खाया वो अंदर जाता रहता है, रात को नहीं रहता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है ब्रश करने का रात, सोने से पहले। कोई भी खाए अगर वो ब्रश कर रहा रात को सोने से पहले तो उसके दांत कभी खराब नहीं होंगे, ठीक है ना। संतुलित भोजन खाना है, प्रॉपर हमें हाथ धो के खाना खाना है, ब्रश टाइम पे करना है, ये हमारी